नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मित्रों, मैं कोरोना संक्रमित हूँ अभी, और कैसे मैं यहाँ सर्वाइव कर रहा हूँ, कैसे एक रूम में रह रहा हूँ, वो सब दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को मैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल पर आप इंटरव्यू वीडियोज़ देखते हैं और ब्लॉग वीडियोज़ भी देखते हैं। तो आज मैं कैसे इस कोरोना काल में एक रूम में बंद हूँ, वो सब दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, और क्या क्या कर रहा हूँ मैं वो सब बताता हूँ। मित्रों, ये गैस है, इसमें मैं पानी गर्म करता हूँ। और दिन भर क्या गर्म पानी पीना पड़ता है, और क्या करें, कोरोना काल में यही एक साधन है जिससे मैं दिन भर गर्म पानी करता हूँ। कुछ भी जब भी मुझे दवाई खाना होता है या कुछ भी होता है, गर्म पानी सिंक कर लेता हूँ, नहाने के लिए भी गर्म पानी सिंक करता हूँ। रखो रखो रखो। इस तरह मुझे खाना दिया जाता है गेट के बाहर। ये मेरा घर रूम, देखिए इस तरफ रूम है मेरा, और ये इस तरह किस तरह मेरा खाना दिया जाता है। ये है मेरा रूम, और ये रूम के बाहर इस तरह। वाह, लाल भाजी। चलो, खाना मिल गया है, खाना लेकर चलते हैं अब। ये लाल भाजी, सोयाबीन बड़ी, आलू की सब्जी, चावल, ये मेरा खाना है। अब मैं इसको रखता हूँ नीचे ही, बैठ के खाता हूँ यहाँ पर मैं। ये मेरा खाना आ गया है, खाना खाते हैं। फिर से गेट बंद। और ये कमरे की ज़िंदगी जो है मेरी यहीं पर है। ये पानी गर्म हो रहा है, और ये खाना, यहीं बैठ के मैं खाना खाऊंगा अभी। और ये मेरा बेड, चलिए खाना खाता हूँ। खाना खा लेता हूँ मित्रों, एकदम वीरान सी ज़िंदगी हो रही है इसी तरह। खाना भी सादा सादा ही खा रहा हूँ, दाल भाजी, सब बड़ी आलू की सब्जी है, खाना खा लेता हूँ। मित्रों, खाना हो गया मेरा, लेकिन जो ये अकेले बैठ के खाना खाना और इस तरह रूम में कैद रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जो फील कर रहा हूँ, शायद हर कोरोना पेशेंट फील करता होगा। मेरे पास तो कम से कम ये रूम भी है, बहुत लोगों के पास तो रूम की फैसिलिटी नहीं है, तो उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता है। तो जो हॉस्पिटल की लाइफ होती होगी और कितनी बेकार होती होगी, ये सोच के ही मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो मैं दुआ करता हूँ किसी को भी ये कोरोना ना हो, अब कोई भी इस तरह रहना ना पड़े। जो परिवार के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ मिल के रहने का जो मज़ा है, वो इस कोरोना के बाद नहीं रहता। एकदम बोझ सी लगती है ज़िंदगी। गेट से बाहर निकल रहा हूँ, देखता हूँ बाहर का क्या हाल है। अरे वाह, कोई नहीं है मोहल्ले में। मेरा बेटा क्या है, साइकिल लेके आ रहा है, तो आ गया है। चलो रखो ना, आ गया है, रखो आ गया। बेटा कौन साइकिल खरीद के दिया? वाह, और मिली साइकिल खरीद के दी है, तो पिनू लेकर आया है ये शानदार साइकिल।
और मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं अभी इसको छू नहीं सकता, देख सकता हूँ दूर से, और बहुत खुश है पीनू। टाइट करवा के नहीं लाया बेटा उसको? लल्ला को बता, बुला, लल्ला को बुला, पकड़ देंगे, लल्ला को बुला, पकड़ देंगे। उससे क्या मतलब बेटा, तेरे को तो उसके बिना साइकिल चलाना है। उसमें क्यों दम लगाता है तू? पैडल पे दम लगा, पैडल पे दम लगा तब चलेगा साइकिल। मेरा बेटा साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, और उधर क्यों चला जाता है, किनारे क्यों चला जाता है, बीच में ला, इधर ला। साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी ऊंची हो जा रही साइकिल इसकी, लेकिन फिर भी कोशिश में लगा हुआ है कि साइकिल चले सीधी। देखते हैं चला पाता है कि नहीं। हाँ बस ठीक है, अब चला। वाह, हाँ भी चला लिया, अब सीधा कर चला। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उतर गई साइकिल के, लेकिन चढ़ा नहीं पा रहा है, मैं भी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। विडम्बना यह है कि मैं छू नहीं सकता, बस देख सकता हूँ दूर से, बता सकता हूँ। चलिए कोशिश करने दीजिए, बच्चा है, और मेरे कोरोना की वजह से बच्चों से भी कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं आ रहा है दूर दूर से, जबकि मैं अकेला हूँ और इस रूम में बंद हूँ, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं मेरे बच्चों से मिलने के लिए भी। ये विडम्बना है, मेरे परिवार से कोई मिलना नहीं चाह रहा, मेरे बच्चे से कोई मिलना नहीं चाह रहा, जबकि वो अलग ही रह रहे हैं। मेरा बच्चा भी मतलब अकेले खेल कर थक गया था, इसलिए उसके लिए साइकिल लेनी पड़ी आज। तो सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि आपको कोरोना है, आप क्वारंटाइन हैं, सबसे अकेले हैं, आप अलग रह रहे हैं सबसे, फिर भी आपके परिवार के लोगों से कोई मिलना नहीं चाहता। सबसे बड़ी तकलीफ मुझे तब लगती है जब मेरे बच्चे से कोई नहीं खेलता। मेरा बच्चा मुझे खिड़की से बोलता रहता है, चाहे बाहर जब मैं गेट के पास जाता हूँ तो बोलता रहता है, पापा मेरे साथ कोई नहीं खेलता। तो मोहल्ले के बच्चे आना छोड़ दिए यहाँ, जबकि यहाँ जमघट हुआ करता था मेरे घर के सामने बच्चों का, पूरे मोहल्ले के बच्चे यहीं हुआ करते थे। तो ये कोरोना होने के बाद जो ये सब मैं देख रहा हूँ, काफ़ी तकलीफ देने लगती है मुझे। इसलिए उसे उसकी साइकिल टूट गई थी, तो 2-3 दिनों से मुझे बोल रहा था कि पापा साइकिल बनवा दीजिए, कम से कम साइकिल चलाऊंगा। इसलिए उसके लिए साइकिल लेना पड़ा आज, और साइकिल चला रहा है तो खुश है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और सबसे दोनों टाइम मेडिसिन पे ध्यान देना है, ये मेडिसिन वगैरह है जो मुझे मिली हुई थी, कुछ ख़त्म हुई, कुछ नहीं कर पाया, कुछ एक्स्ट्रा मैंने मंगा ली थी। और हॉस्पिटल से मुझे प्रॉपर सहयोग मिलता रहा है कि डेली मुझे एक या दो बार वो लोग पूछते जरूर हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, कहीं खांसी तो नहीं है, कहीं बुखार तो नहीं आया। तो ये प्रॉपर रिपोर्टिंग अच्छी हो रही है कोरोना काल में, ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी कि हॉस्पिटल के जो कोरोना कंट्रोल रूम है हमारा, वहाँ से दिन में एक या दो बार कॉल जरूर आता है और पूछते हैं। तो मित्रों, ये जो बीमारी है इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। मैं भी, मुझे जब कोरोना का एहसास हुआ, मुझे बुखार आया रायपुर जब हॉस्पिटल गया हुआ था मामा जी को लेकर, तो मुझे एहसास हुआ कि बुखार आ रहा है, तो ये बुखार मुझे एक दिन गोली खा रहा था, फिर 102-103 डिग्री बुखार, ठीक नहीं हो रहा था। तो मुझे एहसास हो गया कि शायद मुझे हो सकता है, तो मैं तुरंत अंबिकापुर आया और सबसे पहले टेस्ट कराया मैंने, और टेस्ट जैसे ही कराया पता चला मुझे कोरोना है, तो मैं क्वारंटाइन हो गया। तो ये सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, आपको भी अगर फीवर लगता है, खांसी होती है, सर्दी होती है, तो सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराएं, क्योंकि ये काफ़ी विपत्ति वाली स्थिति है हमारे देश में। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ओरिजिनल मतलब ये नॉर्मल बुखार है या कोरोना है। तो ऐसा अगर आपके पास नॉर्मल बुखार भी आता है आपको, तो फिर कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। उस दिन के बाद से मैं इस रूम में रह रहा हूँ, रूम में तो मैं रह रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों की ज़िंदगी भी एकदम वैसी हो गई है, उनसे भी कोई मिलना नहीं चाह रहा है। तो ये विडम्बना है इस बीमारी की, लोग डरते हैं कि उनको अपना फैल जाए। अब बात भी सही है, मैं लोगों को कैसे समझाऊं। तो यही जो दर्द है इसका, कोरोना का दर्द है, यही दर्द है कि मतलब आपको कोरोना हो गया, आप स्वस्थ भी हैं, लेकिन आप लोगों से मिल नहीं सकते, आपसे कोई मिल नहीं सकता।
तो ये जो दूरी बना दी है इंसान से, जो इंसान की दूरी हो गई इस बीमारी ने जो बना दी है, काफ़ी ख़तरनाक है। काफ़ी मतलब माइंड को बहुत डिस्टर्ब करती है, माइंड को बहुत परेशान करती है, हमारे जीने की हद जो बना देती है। मेरी भी हद है उस गेट तक, वो जो गेट दिखाई दे रहा है, मेरी भी हद है अभी इस कोरोना काल में। 10 दिन से उस गेट के बाहर मुझे निकलना नहीं है, और 10 दिन हो गए हैं, 17 दिन तक मुझे यहाँ से निकलना नहीं है। तो ये जो है ना, काफ़ी तकलीफ दे है। तो दुआ करूँगा कि किसी को भी कोरोना ना हो, और आप सभी कहीं भी बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो फिर पूरा कवर होकर जाए। कहीं से भी हो सकता है, बालों में आ सकता है आपके, आप हाथ हाथ मतलब ठंड है तो ग्लव्स पहन लें, बाइक चला रहे हैं ग्लव्स पहन लें, ज़्यादा कहीं जाएं तो होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं इधर उधर चीज़ों को ना छुएं, दूर रहें, डिस्टेंस बनाकर रखें, लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखें। और किसको कोरोना है आपको पता नहीं चलता, जैसे लोगों से हाथ मिलाना छोड़ दें आप, नमस्ते करें दूर से ही। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें जीना है अभी भी। मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अभी तक आपने वीडियो देखा है, तो एक लाइक जरूर करके जाएँ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार। मित्रों, इसी तरह ये मछलानी के अंदर घुस जाता हूँ मैं, बंद कर लेता हूँ इसको। यही रात में